नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे रखा है, आप उन्हें वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चमोली जिले का गठन कब हुआ था? तो चमोली जिले का गठन हुआ था 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, खैट पर्वत कहाँ स्थित है? तो खैट पर्वत स्थित है टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? तो द्रौपदी का डांडा स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पौड़ी नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो पौड़ी नगर पालिका का गठन हुआ था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मुकुंद राम बड़थवाल का उपनाम क्या है? तो मुकुंद राम बड़थवाल जी का उपनाम है देवज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है? तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? तो मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बाल सभा का गठन किसने किया था? तो बाल सभा का गठन किया था सत्यप्रसाद रतोड़ी ने, और कब किया था? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था सुदर्शन शाह जी ने, कब कराया था? 1823 में, और पवार वंश के 55वें राजा थे सुदर्शन शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में प्रथम फॉरेस्ट ग्रीवांश कमेटी कब बनी थी? तो उत्तराखंड में प्रथम फॉरेस्ट ग्रीवांश कमेटी बनी थी 13 अप्रैल 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कीर्ति शाह पवार राजवंश में किस क्रम के राजा थे? तो कीर्ति शाह पवार राजवंश में 58वें क्रम के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गोरखाओं द्वारा शादी व विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो गोरखाओं द्वारा शादी व विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर था टीका या भेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 2016 में उत्तराखंड की राजकीय तितली किसे घोषित किया गया? तो 2016 में उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया गया कॉमन पिकॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, तैरी सौ फिल्म के निर्देशक थे? तो तैरी सौ फिल्म के निर्देशक थे अनुज जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव है? तो पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव है खाती गांव। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्राचीन खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्राचीन खेल है बाघ बट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफल का वैज्ञानिक नाम है मेरिका एस्क्यूलेंटा। काफल का वैज्ञानिक नाम है मेरिका एस्क्यूलेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सीला समुद्र बुग्याल कहाँ स्थित है? तो सीला समुद्र बुग्याल स्थित है चमोली में। सीला समुद्र बुग्याल स्थित है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 20 है, देहरादून रेलवे स्टेशन कब बना था? तो देहरादून रेलवे स्टेशन बना था वर्ष 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, गोरा देवी को वृक्ष चिन्हित पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो गोरा देवी को वृक्ष चिन्हित पुरस्कार मिला था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था 31 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन है, 23वां, राज्य की प्रथम महिला पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता है? तो राज्य की प्रथम महिला पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता है कमलेंदुमती शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व कितना है? तो उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन गोस्ट पुस्तक लिखी है? तो द इंडियन गोस्ट पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26,
गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का महर्षि उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल का महर्षि उपनाम से जाना जाता है तारादत्त गैरोलॉजी को। गढ़वाल के महर्षि के उपनाम से जाना जाता है तारादत्त गैरोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? तो इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925। क्वेश्चन नंबर 29 है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम है ओड़ा थली। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोलाराम के वंशज थे? तो मोलाराम के वंशज कैसे थे? सुनार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रक्षा सूत्र आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो रक्षा सूत्र आंदोलन का जनक कहा जाता है सुरेश भाई को। क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं मैथ। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं मैथ। क्वेश्चन नंबर 33 है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गौला नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, काठगोदाम रेलवे स्टेशन कब शुरू हुआ था? तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन शुरू हुआ था 1884 में, 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है? तो राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य में प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे? तो राज्य से सर्वप्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला था प्रकाश पंजी को। क्वेश्चन नंबर 38 है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी वर्ष 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, नया बस्ता कविता संग्रह किसका है? तो नया बस्ता कविता संग्रह है हेमंत कुकरेति जी का। क्वेश्चन नंबर 40 है, काफल किस प्रकार का वृक्ष है? तो काफल है एक सदाबहार वृक्ष। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज आप लोगों के लिए आज का सवाल ये रहा, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।